वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटेस्टिजम के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो इजी वर्ड्स में अगर बात करें तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज आप किसी इवेंट से आए या किसी आ, शादी से आए हैं या कोई भी इवेंट था तो आप आए हैं और आने के बाद आप लोग बातें कह रहे हैं कि तुमने उसका ड्रेस देखा था तुमने देखा था उसने कैसी ज्वेलरी ली हुई थी उसने कैसे शूज़ कैसे पहने थे उसे तो ड्रेसिंग सेंस नहीं है उसको ये चीज़ें लेने का तरीका नहीं है उसको बात करने का तरीक़ा नहीं है या उसको मैनर्स ही नहीं है कि गेस्ट को कैसे डील करते हैं या गेस्ट को कैसे वेलकम करते हैं ये सारी चीज़ें अगर आप डिस्कस कर रहे हो किसी पर्सन को लेके किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके तो वो, ले तो वो बेसिकली क्रिटिसिज्म होगा यानी कि आप उस पर्सन पर क्या कह रहे हैं क्रिटिसिज्म कर रहे हैं दिस इज बेसिकली क्रिटिसिज्म तो बात कर लें अगर हम डेफिनेशन की तो क्रिटिसिज्म इज द एक्शन ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन यानी कि आप किसी के लिए डिसप्रूवल कर रहे हो एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ठीक है आप उसके लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हो जो कि आपके डिसअप्रूवल शो करें यानी कि आप वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही आप डिसअप्रूव कर रहे हो आप नहीं एक्सेप्ट करते उन चीज़ों को दिस इज़ बेसिकली द क्रिटिसिजम और क्रिटिसिज्म जो है जी अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल कर ही क्रिटिसाइज़ करते हो बाजा तो आप देखेंगे कि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी है तो मेरे बुक पे सो लोग क्रिटिसाइज कर देंगे कि आपने ये करैक्टर जो है इसको इस तरह से क्यों प्रेजेंट किया या ये करैक्टर का तो ऐसे लॉजिक ही नहीं बनता था या आपकी स्टोरी जो थी उसका प्लॉट नहीं था या उसकी सेटिंग नहीं थी या आपके करैक्टर में ये चीज़ें मिसिंग थी अगर आप इसको ह्यूमर करैक्टर शो करवा रहे हो तो इसमें ये क्यों नहीं है ये वाले एलिमेंट्स क्यों नहीं है ये बेसिकली सारी क्रिटिसिजम होता है जी लिटरेचर में बुक्स में जब आप लिखते हो इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रिटिसिज्म सिर्फ बुक्स तक ही हो इसके अलावा बहुत सी रिसर्च जो होती हैं उन पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपकी रिसर्च में ये फ्लॉ है तो आपकी चीज़ में ये फ्लॉ है तो ये क्रिटिसिज्म आपको हर फील्ड में हर जगह नज़र आता ही आता है और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग जो हैं इवन इतनी इतनी बुक्स पब्लिश करते हैं जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया होता है और यहाँ फिर समाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को डिसअप्रूवल कर रहे हो तो आप उसमें जो फ्लॉ है उसको ठीक करके उसको करेक्ट करके आप बता देते हो कि ये चीज़ बहुत परफेक्ट है हो सकती थी अगर इसमें ये ये चीज़ें इस तरह से की जाती तो आप वो चीज़ें खुद ही डील करके दे रहे हो नेक्स्ट पर्सन को तो ये एक इंटरेस्टिंग साइजी सा कंसेप्ट था आई होप कि आप हुँ हुँ। आपको क्लियर हो गया होगा बिस्से रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में